मैं कोई डाली का फूल नहीं हूं, ना मैं किसी डाली का फल हूं, ना ही मैं किसी डाली की कली हूं। उसके बाद भी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अपने गार्डन में कितनी खूबसूरती बिखार रही हूं। अगर मैं ना हूं तो मैं बिल्कुल, गार्डन मेरा सूना है। तो फ्रेंड, हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है खूबसूरत सी रंग बिरंगे कलरफुल पत्तियों वाली पौधे, जो पत्ते इतने खूबसूरत होते हैं, जो वाकई में इस भीषण गर्मी, तपती गर्मी, सूरज ऐसे चिलचिलाती धूप दे रहा है कि हर पौधे मुरझाने को तैयार हैं। हम लोग कुछ ना कुछ साधन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे पौधे देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने बड़े बड़े, कितने छींटदार पत्ते हैं, जिसको कि जिसका प्यारा सा नाम है डमकिन। डमकिन बोलते हैं इसको, प्यारा सा, बहुत प्यारा ये डमकिन मेरा प्लांट है। मुझे तो इतना पसंद है और मेरे गार्डन में पूरे गजब की शान बिखेर रहा है। बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, जो कि मेरे कई सालों से मेरे घर में इतनी रौने, इसमें ना फल लगता है, ना ही फ्रूट्स लगता है, ना कोई कली लगता है, ना कभी ये फूल हमारा, ये हमारा पौधा मुरझाता है। और उसके बाद भी चाहे वो सर्दी हो, कितनी भी तापमान गिर गया हो हमारे यहाँ सर्दी में, कितना भी तापमान हमारा सूरज की आसमान में 50-55 डिग्री भी पारा हो, लेकिन ये मेरे प्यारे से पत्ते मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, मेरे गार्डन में गजब की शान बढ़ाते हैं। तो ये इन प्यारे से प्लांट को डमकिन बोलते हैं। और ये मेरे प्यारे खूबसूरत से, ये देखिए बेबी डोल, मतलब कि आज का मेरा टॉपिक है, मैं प्यारी प्यारी खूबसूरत सी पत्तियों से मिलवा रही हूँ आपको, मतलब कि जो हमारे गार्डन में इतनी रौनक बिखेरते हैं, इतनी रौनक बिखेरते हैं। आज मैं इन्हीं पत्तियों से, पत्तियों वाले प्लांट से आपको मिलाना चाहती हूँ, मतलब कि कलरफुल पत्तियां। आज का मेरा टॉपिक है कलरफुल पत्तियां। तो इसको बेबी डॉल बोलते हैं। बेबी डॉल कितना प्यारा सा देख रहे हैं, पूरा घना, कितना बुसी, ना ही खाद मांगता है ज्यादा, ना ही पानी मांगता है, ना ही धूप मांगता है, सो सकते हैं। उसके बाद भी हमारे गार्डन में गजब का सुंदरता बिखेर रहा है। ये है मेरा स्पाइडर, इसको स्पाइडर मैन भी कहते हैं, नहीं, स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। देख रहे हैं कैसे स्पाइडर की तरह अपने चारों तरफ, ये मकड़ी की तरह जाल फैलाता है, चारों तरफ अपनी पंखुड़ियां बिखेरता है, और यहीं से प्यारा सा बेबी प्लांट निकालता है। और कम से कम एक प्लांट से 100 क्या सैकड़ों पौधे आप बना सकते हो। इतना नाजुक सा प्लांट है, ना इसे आप खाद डालो, ना आप इसे पानी दो। हल्का सा, मुश्किल से 2 दिन में एक बार पानी, हल्की सी 4 महीने में एक बार खाद, और सूरज की रोशनी तो चाहिए ही नहीं, जब मन हो सर्दियों में हल्की सी धूप दे दो। उसके बाद भी कितनी खूबसूरती बिखेर रहा है, वाले प्लांट से मिलवाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये है मेरा गजब का जियो प्लांट। गजब, जियो, समझ गए, मतलब हम लोग जिंदगी भर जीना चाहते हैं। तो ये हमारे प्लांट हम लोग को ये खिल के यही बोलते हैं कि हम जीना चाहते हैं, हमारे गार्डन में हमसे ही शान है। तो ये मेरी प्यारी सी पर्पल देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी पर्पल सी पत्ती है, यहाँ धारीदार है, और ये देखिए यहाँ पे ना इसे धूप चाहिए, ना इसे ज्यादा पानी चाहिए, ना ही इसे जरा सी खाद। ये हमारी ग्रीन पत्तियों वाला ही पौधा है, ना ही इसमें फूल है, ना ही इसमें फ्रूट है। उसके बाद भी हमारे पूरे गार्डन में हर गमले में अपने आप ही उगाता है और कहता है मैं चारों तरफ से अपना खूबसूरती बिखेरूंगा। तो ये मेरा टर्टल वाइन है, प्यारा सा प्लांट है। और ये देख लिए कलरफुल मेरे कोलियस, कोलियस को मिल रहे हैं ना, देखिए ये गजब का कोलियस है। इसको धूप की जरूरत थोड़ी सी होती है, ना ये खाद मांगता है, ना ज्यादा पानी मांगता है। उसके बाद भी कलरफुल पत्तियां देख लीजिए, कितनी प्यारी सी मैरून छीट वाली ग्रीन सी, देखिए कुदरत का करिश्मा। ये देखिए ग्रीन से यहाँ छीटदार पत्तियां, और कोलियस है, पूरे शान बिखेर रहा है। तो इसी तरह की आज मैं आपको खूबसूरत सी, ये देखिए ये सिंघोनिया प्लांट है। सिंघोनिया, सिंघोनिया मतलब राजा सिंहासन, गजब का, देखिए कितनी धारी बनी हुई है और कितनी प्यारी सी पान के शेप की, हार्ट के शेप की, बिल्कुल हार्ट का शेप लगता है, गजब का। इसको भी यही शिकायत है, मुझे धूप मत दो, मुझे ज्यादा पानी मत दो, ना मुझे फर्टिलाइजर दो, बस एक कोने में मुझे रख दो, मैं पूरे गार्डन में भर जाऊंगा। ये भी बहुत खूबसूरती से बिखेरता है। ये देखिए फर्न, इसको भी कहते हैं। ये हरी भरी पत्तियों का पूरा मोर पंखी की तरह, जैसे मोर पंखी प्लांट होता है, मोर की तरह शेप दे दीजिए, इसकी टोपियारी बना दीजिए, तो ये भी पूरा हमारे घर गार्डन में शान बन के रह जाता है। तो इस तरह के आज मैंने आपको खूबसूरत खूबसूरत से प्यारे प्यारे प्लांट से मिलवाना चाह रही हूँ, दिल थाम के बैठ जाइए। ये देखिए मेरे कोलियस, 2 वेराइटी के कोलियस हैं, ये कितनी चौड़ी पत्ती, और ये देखिए मेरा कितने प्यारे, ये भी कितने कलरफुल छींटेदार पत्ते हैं, सिर्फ छींटेदार पत्ते हैं, ना फल आ रहा है। उसके बाद भी आप मेरे गार्डन में दसियों, कम से कम 20 ये पॉट भरे हुए हैं इन कोलियस से, तो ये भी मेरे गार्डन में शान बने हुए हैं।
आज मैं आपको सिर्फ अपने गार्डन में शान, जो हमारे फूल नहीं है, पत्ती नहीं है, हमारे फूल नहीं है और ना ही हमारी कलियां हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं, यह है पर्पल हार्ट। कम से कम 20 गमले मेरे पर्पल हार्ट से घिरे हुए हैं, मतलब कि मेरे गार्डन में अगर ये नहीं तो मेरा गार्डन बिल्कुल सूना है इनके बिना। ये मेरी जान है, मैं इनकी जान हूँ, मुझे तो इनके बिना रहने की आदत ही नहीं है। तो मैं तो अपने कम से कम 10-20 मेरा बच चले तो मैं सैकड़ों गमले पर्पल हार्ट से भर दूं। मुझे इतने प्यारे से ये पर्पल हार्ट पसंद है, इतने पसंद है पर्पल हार्ट, मतलब कलरफुल पत्तियां इतनी प्यारी प्यारी। ये देखिए मनी प्लांट लगा हुआ है, ये भी हमारा कोई फूल नहीं देता है, उसके बाद भी रंग बिरंगी पत्तियों से मशहूर है, मतलब कि हरी ही पत्तियां हैं, बेल वाली हैं, गजब की शान बना रहता है। ये देखिए हमारा कोलियस, ये हमारे देखिए ऐसे इस तरह से देखिए, इस कोलियस में बीज बनते हैं और ये इसको फूल भी कह सकते हैं आप। तो ये भी हमारा एक कोलियस है, रंग बिरंगी पत्तियां हैं, कभी इसमें पीली पत्तियां आती हैं, ये देखिए ये पीली पत्ती आ रही है, ये सफेद पत्ती, मतलब कि कुदरत का करिश्मा है, प्लांट एक है और तीन तरह के रंग दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर लाल दे रहा है, यहाँ पे सफेद दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे सफेद, इस तरह से पीली पीली हल्की क्रीम है और ये देखिए सफेद है, मतलब एक ही प्लांट है और तीन चार कलरफुल रंग रंग बिरंगे पत्ते। ये देखिए स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की बात ही अलग होती है, ये हमारे सांसों का गजब का जीवन वरदान वाला प्लांट बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन फ्री, मतलब हम लोग को फ्री में 100% ऑक्सीजन देता है। अगर हम इसको अपने रूम के अंदर रख दें तो भी ये हमारे यहाँ ऑक्सीजन नंबर वन ऑक्सीजन देता है। ये देखिए क्रिसमस ट्री, ये भी हमारा पत्तियों वाला प्लांट है, गजब की खूबसूरती बिखेरता है, ग्रीनिश, इतनी ग्रीनिश इसको कहीं भी रख दीजिए परमानेंट, ये हम लोग को ना ही खाद मांगता है, ना ही गुड़ाई मांगता है, ना ही धूप मांगता है, पानी हल्का सा 2-3 दिन में एक बार हल्का सा पानी दे दीजिए और मुस्कुराते हुए आपके गार्डन में परमानेंट बनाए रखता है। ये देखिए हमारा एलोवेरा, एलोवेरा भी हमारे घर में गजब की पत्तियों ही वालों से जाना जाता है, सिर्फ इसमें लीफ ही लीफ निकलती है, लेकिन हमारे गार्डन में अगर ये नहीं है तो हमारा गार्डन कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जितने फर्टिलाइजर बनते हैं, जितनी हमारी खाद बनती है, सारी एलोवेरा बिना की अधूरी है। तो ये टोटल हार्ट हैं, देख रहे हैं क्या बिखेर रहे हैं, ग्रीनिश पूरे गार्डन में, सिर्फ ग्रीन ग्रीन ग्रीन्स बना, मतलब मेरा आज आपके पास रंग बिरंगी पत्तियां, ग्रीनिश पत्तियां जो हमारे गार्डन में ऐसे ही खूबसूरती बिखेर रही है, चारों तरफ चांदनी बिखेर रही है, जगमग 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 जगमग। ये देखिए हमारे रियो प्लांट, जियो के भाई, मैं तो इसको जियो का भाई बोलती हूँ, क्योंकि ये पर्पल भी होता है, ऊपर से ग्रीन भी होता है, नीचे से पर्पल भी होता है, लोटस के आकार की पत्तियां होती हैं, पूरा गमला ऐसे भर देता है, जरा सी कहीं से नीचे से डंगाल एक बेबी प्लांट निकाल लीजिए और इसके भी सैकड़ों गमले तैयार कर लीजिए, मतलब आप समझ गए ना मेरा आज का टॉपिक, मतलब इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत से पौधे कौन भला ना लगाना चाहे, मतलब कि हमारे गार्डन में अगर गर्मियों में फूल नहीं आ पा रहे हैं, गर्मी में आग से सुलग रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, आग से सुलग रहे हैं, तो क्या हुआ हमारा गार्डन, तो हमें अपने ग्रीन करने से मतलब, तो अगर हम लोग के पास फल फ्रूट कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ये देखिए ना सिंघोनिया को मिलिए, कितना खूबसूरत सा सिंघोनिया है, कितना प्यारा स्पाइडर है, कितना प्यारा, ये सब देख सकते हैं कोलिया सिंघोनिया, मेरे गार्डन में 10-10 गमले, एक ही गमले के 10-10 गमले भरे हुए हैं। ये देखिए बेबी डोल, गजब का, पूरी सिर्फ लीफ लीफ से ही ये सुंदरता बिखेरते हैं। तो आज मैं आपको मिलवा रही हूँ गजब गजब के शानदार, ये देखिए ये हमारा बोलते हैं इसको डेबिल बैक बोन, समझ रहे हैं, और खूबसूरती आप देखिए इनकी, सिर्फ ग्रीनिश पत्तीस है, कुछ फल नहीं है, उसके बाद भी चमक देखिए, क्या चमक है, क्या शाइनिंग है इनमें, बिल्कुल राजा की तरह मुकुट पहने हुए हैं। तो देख लीजिए ये मेरा मोरपंखी प्लांट है, ये भी मेरा गजब का शानदार, मेरे गार्डन की शान है। तो आज मैंने आपको ऐसे ऐसे प्लांटों से मिलवाया है, मुझे पता है आप सबको इनके बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको मिलवाना चाह रही थी कि मेरे गार्डन में ये पत्तों से ही चमकते हैं, पूरे गार्डन में फूल नहीं है तो भी मेरे गार्डन में ये चमक के अपनी खुशियां बिखेर रहे हैं। ये देखिए जेड प्लांट को देख रहे हैं, जेड प्लांट कितनी पूरी तरह से खूबसूरती बिखेर रहा है, क्या है इसमें, फूल दिख रहा है आपको, कहीं कहीं फूल दिख रहा है आपको, कलियां दिख रही हैं, फल दिख रहे हैं, लेकिन ये भी सिर्फ डंगालों में मोर पंखी, मतलब गजब का मोर की तरह शेप दे दीजिए इसको, जैसा चाहे वैसे शेप में ढाल दीजिए, सिर्फ पत्तियों से ही खूबसूरती आती है इसकी। तो ये भी हमारे गार्डन की शान है, तो इसी तरह के शान वाले पत्तों से मैंने आज आपको मिलवाया। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरे प्यारे प्यारे से आपको ढेरों प्लांट से मिलवाया है, और भी ढेरों प्लांट है मेरे पास, तो फिलहाल तो इतनी ही जान लीजिए खूबसूरती में रंग नंबर 1 बिखेरने वाले। तो फ्रेंड चलूं, फिर
फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से शानदार कुछ मजेदार वीडियो लेकर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।